बहू की तलाश। विमला अपने पूरे परिवार के साथ शाहजहानपुर में रहती है। बड़े बेटे दीपक की शादी के बाद छोटे बेटे गोलू की शादी की चिंता उसे दिन रात सताने लगती है। अरे गोलू, अब तू भी शादी कर ले, मेरी तो उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूं। हाँ मम्मी, कर लूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा, सही उम्र में अगर शादी हो जाए ना तो सही रहता है, बाद में फिर लड़की भी नहीं मिलती। अरे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो तो बता दो, मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है ना, लड़की देखने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगी, बस ये देखना कि लड़की अच्छी हो। नहीं मम्मी, फिलहाल तो ऐसी कोई लड़की मेरी नज़र में नहीं है, तुम ही देख लो। लेकिन मैं बिना मिले और बिना बात किए हुए शादी नहीं करूंगा, ये पहले ही बता देता हूँ। एक दिन विमला अपने पति राकेश से गोलू की शादी की बात करती है। अजी सुनते हो, गोलू के लिए अब लड़की देखना चालू कर दो। सारी जिम्मेदारियां मेरी ही है क्या? तुम बस इधर उधर करते हो, कम से कम दो चार लड़की तो देखो। अच्छा अच्छा ठीक है, गोलू का बायोडेटा बनवा लेते हैं, और मेरी नजर में एक दो लड़कियां भी है, उनके घर बात करता हूँ मैं, ठीक है? इधर विमला को हर लड़की में अपनी बहू ही नजर आने लगती है। गोलू की कपड़े की दुकान है, कभी कभी मन ना लगने पर विमला भी दुकान पर बैठ जाती है। एक दिन जब दुकान पर गोलू नहीं होता है तब एक कस्टमर आती है। वो भैया जो दुकान पर रहते हैं वो नहीं है क्या अभी? बेटा वो तो अभी नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, तुम्हें कुछ देखना है तो स्टाफ दिखा देगा। ओके आंटी। स्टाफ कस्टमर को कपड़े दिखाने लगता है, तभी विमला उसे कहती है। बेटा तुम्हारी शादी हो गई है क्या? क्या करती हो तुम, कहाँ रहती हो बेटा? नहीं आंटी, शादी नहीं हुई, मैं यहाँ बस थोड़ी ही दूर में रहती हूँ। मैं भी ना अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रही हूँ, नजर में कोई लड़की हो तो बताना बेटा। लड़की को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो विमला से कुछ नहीं कहती। ये बात गोलू को पता चल जाती है। मम्मी ये सब क्या हरकत है, तुमने तो कस्टमर्स को भी नहीं छोड़ा, कस्टमर से ऐसी बातें कौन करता है? भला ऐसे तो तुम मेरा धंधा ही बंद करवा दोगी, बहू तो मिलेगी नहीं, कस्टमर खराब हो जाएंगे सो अलग। अरे बेटा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, मैंने तो नॉर्मली एक बात कही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं कहूंगी अब से। एक दिन अचानक गोलू को देखने लड़की वाले आ जाते हैं। लड़की वाले को अपने घर पर देखकर विमला घबरा जाती है। अरे गोलू ठीक से तैयार हो जा, ताकि उन्हें एक बार में ही पसंद आ जाए। तू दीपक को बोल दे बाजार से खाने के लिए कुछ सामान लेकर आए। मम्मी उन्हें शादी करनी होगी तो करेंगे, नहीं तो कौन सा मैं उन लोगों के लिए ही बैठा हुआ हूँ। तुम इतना घबराओ मत ना, मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद आता हूँ तो ठीक है, उन्हें बोल दो मुझे दुकान पर ही आकर देख ले। लड़की वालों को गोलू पसंद आ जाता है, लेकिन विमला को डर लगता है कि लड़की कहीं चालबाज ना आ जाए घर में। हम लोग आपके घर आकर आपकी लड़की देख लेते हैं, और अगर मेरे गोलू को भी वो पसंद आ जाएगी तो रिश्ता फाइनल कर देंगे। आप लोग तो जानते हैं ना आजकल का जमाना, लड़का लड़की बिना बात किए तो शादी करते नहीं है, उन लोगों का मिलना जरूरी है, एक बार मिल ले फिर आगे की बात करते हैं। लड़की की माँ कहती है, ऐसा भी कोई मॉडर्न जमाना थोड़ी ना है, मेरी बेटी तो मेरे कहने से ही हाँ कर देगी, कम से कम रोका तो कर लेते हैं। अरे नहीं जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक हमारा बेटा हाँ नहीं करता तब तक तो हम बिल्कुल भी फाइनल नहीं करेंगे, ऐसी कौन सी हड़बड़ी है। लड़की वाले चले जाते हैं। बाद में विमला अपने घर वालों से लड़की का डिस्कशन करती है। मम्मी जी मुझे तो ये लड़की वाले बहुत चालू लग रहे हैं, भला आजकल के जमाने में बिना लड़की देखे शादी कौन करता है, मैंने भी तो इन्हें देखकर ही शादी की थी ना, ऐसा ना हो कि लड़की में कोई ऐब हो। हाँ बेटा तुम ठीक बोल रही हो, पहले पता करवा लेते हैं लड़की के बारे में, और मैं अपनी बहनों को भी बुलवा लेती हूँ ताकि वो लोग भी लड़की देखकर अपनी राय दे सके। इस रिश्ते को मना कर दो मम्मी, मुझे ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ना है, इतने रूढ़िवादी हैं ये लोग, जब अभी ऐसा बोल रहे हैं तो शादी के बाद पता नहीं क्या बोलेंगे। अरे शांत रहो ना गोलू, पहले पता तो करवाने दो कि लड़की कैसी है, और इतनी ही परेशानी है तुम्हें तो लव मैरिज क्यों नहीं कर लेते। एक रात गोलू को सुकन्या का मैसेज आता है। हाय
हाय गोलू, कैसे हो? अभी तक शादी नहीं किए? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? और आज मुझे याद किया इतने दिनों के बाद। शादी? कौन सी शादी की बात कर रहे हो तुम? आई एम अनमैरिड। क्या? मुझे तो लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। एक वक्त था जब तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है तो मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट गया। प्यार तो मैं तुमसे आज भी उतना ही करती हूँ, लेकिन क्या करती मैं? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे तो मैंने झूठ कहा था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन सच कहूँ तो आज भी मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? मैं कल ही मम्मी से बात करता हूँ। सुकन्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन गोलू विमला से सुकन्या के बारे में बात करता है। मम्मी, एक लड़की है मेरी नज़र में, लेकिन वो हमारी कास्ट की नहीं है। क्या तुम्हें सुकन्या अपने बहू के रूप में चलेगी? अरे बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? बस मेरा बेटा खुश होना चाहिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। यही सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे थे। तू उसके माँ बाप से हमारी बात करवा दे ताकि ये रिश्ता हम लोग जल्दी फाइनल कर दे। मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू मॉम। विमला राकेश को सारी बात बताती है और गोलू की शादी सुकन्या से हो जाती है। विमला राकेश से कहती है, हे जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गोलू का घर बस गया। मेरे मन को आज सुकून हो गया कि मेरे पीछे से मेरे गोलू को देखने वाली अब आ गई है। बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे।